5:49 AM in the morning and हम लोग उठे हैं सुबह के 5:30 को. आई हैव बेली गॉट 2.5 hours ऑफ स्लीप, लेकिन क्या करें, बैंकॉक से को समय की डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ 9 o'clock मॉर्निंग तक मैक्स जाती है. सो वी टुक द 9 o'clock फ्लाइट एंड हम लोग जल्दी 2 hours at least early पहुँचना है. बट वी आर सो एक्साइटेड टू गो टू को समय. स्कार्यू सोई है, नहीं, वी स्लेप्ट एट 11:30 ओनली. ये मैडम ने 3 बजे उठ गई, सोई नहीं 5 बजे तक. ऐसा रो रही है, चिल्ला रही है, क्या बोले? Guys, that's the situation. She's sleeping right now. And हमारा सब सामान, thank God कि हमने सारा सामान रात को ही पैक कर लिया था. निखिल को बेचारे को गले में दर्द हो रहा था, because of the massage that he took. तो I put balm on him. And हम बात करते हैं, हम करें तो करें क्या, but it's okay with children, it's unpredictable. And when you travel with small children, आज ही की रात करना. नहीं, but when you travel with children, you have to be ready. और हाँ, सच कह रहा है निखिल, मतलब कि पूरी पूरे के पूरे 5 रात she slept so nicely. 11 घंटा 12 घंटा. हाँ, सिर्फ आज ही ऐसे ही होता है मेरा. Yeah, we are pro, but still. No, nobody can be a pro at this. Shoot. और अभी 7 बजे हमको एयरपोर्ट पहुंचना है. इट विल टेक 40 मिनट्स इन द मॉर्निंग, सो लेट्स गो गाइस. अभी ये हम लोग को यहाँ लेने आई है एयरपोर्ट. सबसे नाइस 1500 baht, मतलब कि ऑलमोस्ट 3500 rupees की ये टैक्सी जाएगी एयरपोर्ट. बट दैट्स गुड, दिस इज इकोनॉमिकल. हम सब एक टैक्सी में फाइनली जा सकते हैं. हमारा लगेज भी होटल वाले लोग ही डाल रहे हैं. नाइस ना सीट्स, हमने बैंकॉक में बहुत शॉपिंग किया था. निकिता एक नया सूटकेस भी खरीदा, तो पुराना सूटकेस उसका टूट गया. एंड वी थॉट कि हमारा लगेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट वी वर अलाउड 130 kgs टोटल चेक्ड इन. एंड हमारा 120 kgs हुआ एंड वी वर नॉट चार्ज्ड एनीथिंग एक्स्ट्रा, थैंक गॉड. एंड कैरी ऑन लगेज हमारा 5 kgs अलाउड है पर पर्सन बैंकॉक एयरवेज, तो चलता है. एंड बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आर गोइंग टू लाइक को समूही. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो देयर, बिकॉज मैं को समूही फुकेट दोनों नहीं गई हूँ, तो इस ट्रिप पे वो दोनों ही डेस्टिनेशन कवर होने वाले हैं. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड. हमेशा पासपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निखिल की है. एंड सच कह रही हूँ, कल मैं और निखिल डिस्कस कर रहे थे, जब भी निखिल के हाथ में सारे पासपोर्ट जाते हैं तो मिलान वाला सीन याद आता है हमें, जहाँ पे हमारा बैग चोरी हो गया. एंड मुझे लगा था कि हमारा पासपोर्ट भी चला गया था सबका. थैंक गॉड वी फाउंड इट लेटर ऑन द डस्टबिन. लेकिन मुझे सच में लगा था, हम लोग हंस रहे थे कि यार निखिल के हाथ में सारे पासपोर्ट दे रहे फिर से चोरी हो गया तो. पर यहाँ पर चोरी नहीं होती, थैंक गॉड, इट्स अ वेरी वेरी गुड कंट्री, बिल्कुल चोरी नहीं होगी आपकी सामान. एयरपोर्ट में उठी जाती है इसका यू. बाय बाय मम्मा, आई एम कमिंग सून टू यू. चुल्ली गुल्ली मॉर्निंग में चुल्ली गुल्ली. Probably one of the most cute, gorgeous airports I've seen. See, I told you, right? अभी हम अपने होटल तो पहुंच गए, पर हम लोग को चेक इन के लिए टाइम है, जल्दी पहुंच गए हम लोग. हम जा रहे हैं दुकान फ्लोट खरीदने के लिए. एंड फॉर सम रीजन को समोई रिमाइंड्स मी ऑफ बाली. निकिता इज नॉट गोइंग टू बाली, राइट? बाली इज सेम. तो हवाई गई थी, देखो हवाई रिमाइंड कैसे हो रहा है. पर हम जा रहे हैं फ्लोट लेने, बिकॉज हमारा जो रूम है सब लोग का, इट्स अ 1-bedroom किचन हॉल विला. एंड 3 villas है हमारे, और हर विला के अंदर इज अ प्लंज पूल. तो वी वर लाइक स्कायू के लिए फ्लोट लेते, उसको मजा आएगा. फ्लोट मिल गया है. हाँ, देखती है वो. विला है ये, निकिता का रूम है एक्चुअली, मम्मी डैडी और निकिता का. और ये है पूल, और ये देखो. निखिल को आइडिया दिया, लेट्स रेंट स्कूटर्स.
दिस इज वे इकोनॉमिकल 250 बात का एक स्कूटर, मतलब 1800 पर डे पे तीन स्कूटी मिल रही है। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर होटल का रेस्टोरेंट, क्या खूबसूरत व्यू है लिटरली गाइज, वाओ। The reaction sahi tha. What is this place? This is heaven. It's paradise, na? Sara, udhar se kitna ujala na dhoop aaya na samne. Maine aaj tak kitna beautiful place nahi dekha. Bahut beautiful jagah hai, guys. Like Amalfi is also very beautiful, but this has a different thing. Paradise. But guys, jokes apart, matlab ye bahut hi beautiful location. Next level. No wonder sab log ne jab check kiya, everyone says that Koh Samui is more beautiful than Phuket. Phuket has a lot of islands and activities. बट कोसोमोई इज मोर रिलैक्सिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। मुझे एकदम बाली और मॉल्डीव्स का मिक्स लगा है। मैं बाली गई हूँ पर मैं मॉल्डीव्स गई हूँ, फोटोज में देखा है तो उसका मिक्सचर लगा मुझे, बट इवन बेटर। सो आई रियली लाइक इट। एंड बीच रिजॉर्ट वी वर सपोज टू टेक अमारी, जहाँ पे हम बैंकॉक में भी रुके थे, यहाँ पे भी अमारी है, बट देन दैट वॉज कॉस्टिंग अस 1,50,000 फॉर थ्री रूम्स फॉर थ्री नाइट्स। सो वी थॉट कि हम वो नहीं लेते, वी विल स्पेंड दैट मनी ऑन एक्टिविटीज एंड वी टुक दिस होटल विच कॉस्टेड अस अराउंड 80,000 रुपीज फॉर थ्री नाइट्स विद 1 BHK रूम विद अ पूल। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा होटल है। लाइक ये सारे रूम सोल्ड आउट थे, वरना हम भी ये वाला लेते, बट ये सारे के सारे सोल्ड आउट है। बट वॉट अ गॉर्जियस व्यू ऑल अराउंड। आई एम सो ग्लैड कि मेरा बर्थडे इस साल इज इन Koh Samui, आई ऑलवेज रिमेंबर इट, इट्स सो लवली। और Koh Samui में हमारा पहला स्टॉप है चाय, मसाला चाय पीने का मन था सबका, तो सब चाय पी रहे हैं। जा खाएंगे यहाँ पे बैठ के। रात को सारे बीचेस बंद होते हैं तो हम बस बोफट स्ट्रीट में आए हैं। सपना हमने यहाँ पे भी पूरा कर दिया, निखिल गाड़ी चला रहे हैं। वापस होटल आए हैं डिनर करके, एंड लिटरली सब लोग का प्लान है सेलिब्रेट माय बर्थडे विद मी। एंड निखिल ने मुझे सरप्राइज़ किया, ही गॉट मी अ स्मॉल केक। एंड मेरा बर्थडे है एक्चुअली इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, 28th बर्थडे, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सबके साथ मेरा बर्थडे बन रहा है इस बार। एंड एवरी बर्थडे इज स्पेशल जब से इसका यू पैदा हुए, लाइक आई हैव नॉट बॉट माई सेल्फ एनी बर्थडे ड्रेस। ये एक सिंपल सी आउटफिट मैंने पहनी है, एंड आई जस्ट हैड गिफ्टेड माई सेल्फ दिस चेन, तो बस वही पहना है एंड थोड़ी एक्सेसरीज। एंड आई वाज लाइक दैट्स इट, आई डोंट वांट टू गेट वेरी जैज्ड अप बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। हम लोग इतना सोए भी नहीं है आज सुबह बिकॉज ऑफ द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू Koh Samui। तो आई वाज चलो केक वेक काट के नॉर्मल सा सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बेडरूम के बाहर ऐसा जगह है बैठने के लिए, और पूल है पीछे। एंड मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया, सो There is a plunge pool in every room that we got, and room kuch aisa dikhta hai. Birthday cake for this year, and Nikhil over there setting up a real shot for my birthday. Yes, happy birthday. Happy birthday. अच्छा देखो स्किट्टू खड़ी है मेरे बर्थडे पे, इस बर्थडे पे मम मम हाँ पिछले बर्थडे में बहुत छोटी थी ना, बहुत छोटी, 5 महीने की थी। अबे चाकू कहाँ है? चाकू लेके आओ। एक तो चाबी मिल जाती है, चाकू का। अरे वाह मुंह से बर्थडे केक का फोटो दे। चम्मच चम्मच ले गया, चम्मच के डॉक्टर में क्या मुश्किल है। आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी कि हम सब यहाँ पे खड़े हैं साथ में, और सबका गुड हेल्थ है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान से मेरे बर्थडे पे। कल यहाँ पे पानी था शाम को, अभी सारा पानी पीछे चला गया है, बस लुकिंग रियली नाइस। द ओनली थिंग इज कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड माई आउटफिट इज कम्फी बट बहुत गर्मी, लाइक बहुत धूप मेरी आंखों में लग रही, सो आई कैंट कीप माई आइज ओपन, बट नाइस। वहाँ पे स्काई, मेरी मॉम, निखिल की मॉम, मेरे पापा, सब लोग उधर मस्ती करें। मी एंड निखिल वॉज जस्ट फिल्मिंग वन क्यूट रील
आज मुझे रील के बहुत आइडियाज आते हैं, सो आई वाज लाइक लेट्स शूट इट बिकॉज इतना रील इन रील का टाइम चल रहा है तो व्हाई नॉट शूट वन. सो बस वी आर टेकिंग सम एफर्ट्स टू शूट क्यूट रील्स जो हमें लाइफ भर याद रहे कि इतनी क्यूट मोमेंट्स हमने क्रिएट किए. मेरे पापा बोल रहे हैं छाव में क्यों खड़ी है, धूप में आ. यू कब से सैंड डाल रही हम सब पे यार, आयु हम पे पूरा सैंड फेंक के पूरा रेती कर दिया और निकल चला गया उधर. पहले पूल का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए मैं पी रही हूँ टिम हॉर्टन्स पे, उस टिम हॉर्टन्स का डब्बा लेके आई थी और उसका आयु और निकल आर एंजॉयिंग हियर. डैडी केम ऑन अ बैक फ्रॉम स्कीइंग. मेरे पापा गए जेट स्कीइंग करने के लिए और उनको इतना मजा आ रहा है, वो बोलते मैं यही सब करूंगा वाटर स्पोर्ट्स हम सब में से. और निखिल की मम्मी बोल रही थी ये कोई उम्र है ये सब करने का, तो निखिल बोल रहा था कि यही उम्र है उनको करने दो खुश रहने दो. बिकॉज कोसमुई में बहुत ज्यादा गर्मी है सो वी वर आउट इन द मॉर्निंग ऑन द बीच, फिर हम रेस्ट करे और फिर हमारा प्लान था फिर से लंच करने के बाद घूमने का. बट देन मैंने गूगल में पढ़ा था कि कोसमुई में बिल्कुल बारिश नहीं होती है नवंबर तक, आई गेस यू आर रॉन्ग. बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है सो वी वर लाइक वील वेट जब तक बारिश रुक नहीं जाती. आई डोंट नो हाउ कम द स्काई वाज सो क्लियर कि बारिश कैसे होगी इतनी तेज़, पर अभी थोड़ी कम हो रही है. जस्ट वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप कम्प्लीटली ताकि हम बाहर जा सकें, बिकॉज अगर बारिश होगा तो हमारा एक्सप्लोर नहीं होगा अच्छे से बिकॉज हमने स्कूटीज रेंट की है ना. तो इसलिए ऑल्सो गाइज व्हेनेवर यू कम टू कोसमुई द बेस्ट थिंग टू डू इज़ रेंट अ स्कूटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. मतलब अगर एक भी पर्सन को आता है स्कूटी चलाना आपके ग्रुप में, आप एक एक स्कूटी लेकर चला सकते हो एंड लिटरली इट विल कॉस्ट यू 100 to 200 baht डिपेंडिंग ऑन द स्कूटी यू टेक, एंड वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है देन यू लाइक रेंटिंग अ बिग कार. बिकॉज हम सोच रहे थे कि पहले हम फॉर्चुनर रेंट करेंगे 1600 baht अ डे विच इज़ लाइक 8000 rupees अप्रॉक्सीमेटली, तो हमने सोचा यार नहीं वो नहीं करेंगे, वील वेट. और आपसे बात करते करते देखो अजीब चीज़ है, एक साइड में बारिश हो रही है दूसरे साइड पे सन निकल आया, तो द वेदर हियर इज़ जस्ट लाइक दैट वेरी डिफरेंट, कभी सनी कभी क्लाउडी. वहाँ पे पूरा क्लियर होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे पूरे क्लाउड्स जो है मूव हो रहे हैं साइड. ये अच्छे सीढ़ी है इतने बड़े मंदिर है, इसको वैष्णो देवी मंदिर ही बोलते हैं. अच्छा मीरा रोड की तरफ है, 1000 सीढ़ी है. वो दिखा रही है हमको, देखो मैं चढ़ रही हूँ. गाइस तो ये टेंपल बहुत खूबसूरत है और उससे भी अच्छा यहाँ से व्यू भी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर व्यू है. यहाँ पे जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं हम सब रेडी हो जाते हैं फोटो लेने के लिए. हर एक व्यू पॉइंट का फोटो लेते रहो. हाँ सही बोला मम्मी ने, बस जा रहे थे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर रॉक पर फिर हम लोग को बीच में एक इतना खूबसूरत सा पॉइंट मिल गया. आई वॉन्ट टू साइट ही पर ये बंद है. लुक एट दिस हेवन, गॉर्जियस गॉर्जियस पॉइंट. जब हम लोग ही आए बिकॉज वी वॉन्ट टू सी दिस व्यू. बिल्कुल भी निकल छोड़ना मत यहाँ से. आप हिल क्लाइम कर रही है, बहुत स्टीप है ये देखो, इतना स्टीप है, बहुत स्टीप है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. अभी हम आए हैं हिंता और हिंताई विच इज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर रॉक, एंड द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड दैट बिकॉज मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है द शेप ऑफ द मेंस प्राइवेट पार्ट एंड यहाँ पे कहीं फीमेल का प्राइवेट पार्ट का शेप भी है. वी फिगर आउट द मेंस वन, इट वाज वेरी इजी बट आई कांट फिगर आउट द फीमेल पार्ट एट ऑल, सो प्रॉब्ली मैं गूगल पे देखूंगी. बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. निकिता सबसे ज्यादा फोटो शूट करती है, पागल है क्या तू, रिट्रीट कर रही फोटो, व्हाट आर यू डूइंग.
थर्ड डे बस हाँ दिस इज द थर्ड डे इन को समोई स्काई इज लुकिंग प्रिटी नाइस हेलो किटी ड्रेस मासी इज लुकिंग हॉट हॉट And hot. Sky is dad also looking hot. Nanu is also looking hot. hot. Nani and Dadi are looking extra hot. Touch karte hi burn. So मैं vlog edit कर रही थी भी नाश्ते भी नहीं गई because यहाँ पे you don't get that good breakfast. So अभी we are going to go eat lunch directly. और आज बहुत सारी जगह घूमना है स्कूटर पे. हाथ दुख जाएगा ना. At least you are lucky you can ride a scooter. Yes. Why you not knowing to ride a scooter? I don't know. अरे मैंने मम्मी को platinum से ये shirt लेके आई थी gift. मम्मी बहुत अच्छी लग रही है इसमें. ये बोलती है nice choice. मैंने कहा मुझे पता है मेरा चॉइस अच्छा है निखिल इज आल्सो माय चॉइस वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच इज दिस वी हैव कम टू फिशरमैन्स विलेज यहाँ पे सब लोग अपना पी रहे हैं जूस वूस और हम बाहर कायू कोई भी बीच में चालू हो जाती है ब्यूटीफुल ना बहुत अच्छा है पानी थोड़ा डीप है पर बहुत ही ज्यादा बट इट्स सच अ नाइस प्लेस पूरे कैफेज है दोनों साइड पे दुकान है एंड फिर आप नीचे उतरोगे कोई भी कैफे से ऐसे तो फिर सीधा आपको बीच एक्सेस मिलता है एंड द बीच इज जस्ट अमेजिंग वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है सो दिस इज अ वेरी मस्ट विजिट प्लेस इन को समोई अकॉर्डिंग टू मी वेरी नाइस और ये शाम को और भी खूबसूरत हो जाता है शाम को इट्स रियली रियली हैपनिंग बिकॉज लाइक सो मेनी इफ यू लाइक टू पार्टी ऑल्सो सो दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ क्लब्स एज वेल सो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस आई रियली वॉन्ट टेक दैट योर राइड यू नो Really want to take a yacht ride. बोलती यहाँ से अब्रॉड का मॉल लेके घर जाओ ये देखो क्या जमा करी घर लेके जाएगी मैं बोल रही हूँ डिकी था बहुत अतरंगी बट दिस इज एक्चुअली अ गुड आइडिया मेरी फ्रेंड जनेल भी सेम करती है और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है यार देखो क्या मिलेगा क्या मिलता है इंडिया में सच अ नाइस फीलिंग हम नेथॉन बीच जा रहे हैं अभी एंड लिटरली द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन को समोई इज बाय स्कूटर ट्रैफिक में भी निकल जाती है सबसे बेस्ट गोवा में ओके यहाँ पे लिटरली आगे एक डॉग पॉइंट था सारे कुत्ते पीछे लग गए हमको लगा काटेंगे पर फिर पापा ने बोला कि चुप रहो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ये सब लोग को कन्विंस कर रहे हैं कि झूले में बैठो टर्न बाय टर्न अभी मैंने सुना था ये बोलना कि ट्रैवलिंग मेक्स यू लॉस्ट इन द राइट प्लेसेस आज ऐसे ही घूम घूम के हम अचानक से इस स्पॉट पे आ गए एंड दिस इज लिटरली द बेस्ट बेस्ट थिंग वी डिस्कवर्ड ऑन दिस ट्रिप एंड यार क्या बोलना ये स्विंग भी एकदम राइट स्पॉट पे था हम लोग लकी थे हम लोग उधर गए वो स्पॉट ऐसा है किसी को दिखेगा ही नहीं एक्चुअली में ये है द मेन बीच हम खो गए थे पर वो जो स्पॉट हमको मिला था वो स्पॉट कोई नहीं जा पाएगा वो कोई नहीं जा पाएगा वो स्पॉट में सो आई वी वेरी लकी कि हमने वो ढूंढा और हम गए उसमें बट लुक एट दिस ये बहुत ही प्यारा है कल शायद फुकेत भी हम यहीं से जाएंगे फेरी लेके गाइस दिस इज नेथॉन बीच सनसेट पॉइंट जो वहां पे है अपन जा रहे इतना गहरा नहीं है आएगा भी ओनली वंस हु आर गोइंग कोई और नहीं आ रहा है कम
तेरे लिए। चलना है ये बच्ची थोड़ी ना। डर रही है वो भी। हाँ बस ओके। It is really really getting deep now. आता है स्विमिंग करना, मुझे नहीं आता। अरे मैं हूँ ना, तू नहीं चलने दे। इतना जल्दी तो डूबने वाला पानी नहीं आएगा, तो धीरे 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 बढ़ेगा। वो भी है, ठीक है, कोई नहीं। बिल्कुल भी डीप नहीं है जितना वहाँ पे डीप था। बट यार दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, हेवन हेवन। कहाँ से आओ? आई हैव नेवर सीन समथिंग एज ब्यूटीफुल in my life like this, like पानी से चल के you can come here in the middle and there is sand, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया अपनी life में, it is amazing, wow. But this is once in a lifetime kind of thing experience. It's so amazing. गाइज वी आर बैक टू द होटल एंड बहुत ज़्यादा थक गए, पर इतना मज़ा आया, लिटरली वी वेंट टू ऑल द स्पॉट्स जहाँ पे हम फैमिली के साथ जाके मज़ा कर सके। आई नो यू गाइज वुड से कि हमने इतना वाटर स्पोर्ट्स एंड ऑल नहीं किया, बट विथ फैमिली वी कैन नॉट डू एवरीथिंग दैट वी डू एज अ कपल, एंड वी हैव स्काई विद अस ऑल्सो, पेरेंट्स आर ओल्ड ऑल्सो, तो वो भी सारी चीज़ें नहीं कर पाते, सो वी हैड टू जस्ट प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। बट वी हैड लाइक 2.5 फुल डेज इन को समोई एंड दे वर लिटरली द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एवर। ऑल्सो मैं बोलना चाहूँगी कि इस बार मेरे बर्थडे पे देयर वाज नो पार्टी नथिंग, बट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज आई हैव स्पेंट विथ फैमिली एंड इन नेचर। तो मैंने निखिल को लिटरली बोला दिस टाइम आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि हर साल मैं अपना बर्थडे इसी तरह से बनाऊंगी, एकदम सिंपली इन अ न्यू प्लेस डूइंग द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स। बट गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। कल हम लोग को जाना है फुकेट इन द मॉर्निंग बाई टेकिंग अ फेरी फ्रॉम को समोई, वी आर डूइंग इट अ डिफरेंट वे, सो आई विल सी यू गाइज फ्रॉम फुकेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।